रुद्राभिषेक ये पंडित जी ने पहनाया था, भूल भी निकालना। मिट्टू का कपड़ा चेंज कर दिया है, हम लोग घर आ गए। ये है मम्मी, मम्मी बेटू रुद्राक्ष, क्या हुआ? सो अभी ना मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है पहले से, बेटू के मुंडन से आने के बाद ना तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। मैं 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होकर के आई हूँ और मम्मी आई हैं तो इन्होंने पूजा वगैरह रखा रुद्राभिषेक का, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। खैर मम्मी आ गई तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने हैंडल कर लिया, तो उन्होंने मेरे लिए पूजा रखवाई थी। रुद्राभिषेक कहते हैं कुछ का करते, जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था, 2 बार हो चुका था, तो उन्होंने कुछ के जल से रुद्राभिषेक करवाया था। तो सभी हम लोग घर आए हैं, जा रहे चेंज वेंज करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, बट मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। एक्चुअली क्या अपडेट है वो मैं आपको बताती हूँ। बेटू की ना येरा रुद्राक्ष, बेटू के मुंडन से आने के बाद ना दूसरे दिन 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है अभी तक के लाइफ में। और बेटू की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसको तो पहले से सर्दी बुखार ये सब चीज़ें थी, प्लस ये भी कहते हैं मुंडन से आने के बाद कुछ कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो उसको ना रिपीटेड 3 से 4 बार हो गया सर्दी खांसी, मतलब महीने से 1.5 महीने लग गए। और मेरा क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या थी आई डोंट नो, वॉमिट स्टार्ट हो गई गर्मी की वजह से, और वॉमिट के साथ साथ उसके बाद लूज मोशन स्टार्ट हो गया, लूज मोशन के साथ में डॉक्टर को दिखाना पड़ गया, फिर 2 बार एडमिट होना पड़ गया था, और उसके बाद फिर मम्मी आई, एडमिट होने से पहले ही मम्मी आ गई थी बेटो। सो बस आज हम लोग किए हैं रुद्राभिषेक की पूजा मंदिर में, उसका भी वीडियो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस मम्मी जाने वाली है 2-3 दिन में आया मम्मी काहे रुद्राक्ष नानी जाने वाली है, आले तुम काहे छलवा ले हो, आले भाई आले 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 तुम काहे छलवा लगी। सो सबसे पहले तो जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह होता है वो हुआ है ना, उसके बाद भी उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला नहीं था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती चली गई, पहले थोड़ी बहुत थी है ना, एक बार एडमिट किया था 1 दिन के लिए, फिर उसके बाद 2-3 दिन के लिए, तो इस तरीके से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब वॉमिटिंग थी, लूज़ मोशन हो रहा था, और लूज़ मोशन के साथ साथ ना स्टूल में पूरा ब्लड आ रहा था, तो डॉक्टर भी एक बार को थोड़ा सा घबरा गई थी है ना। और फिर जब एडमिट किया था उन्होंने तो पूरा उन्होंने प्रॉपर सारे जो उन्हें डाउट थे सारे चेकअप हुए, सारे टेस्ट हुए थे, और उसमें क्या निकला था अल्ट्रासाउंड में भी निकला था कि मेरे इंटेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, शायद उस वजह से वो जो ब्लीडिंग हो रही थी स्टूल वाले रास्ते से वो हो रही थी। एंड उसके बाद फिर जो ब्लीडिंग हुई थी ना स्टूल से, उसकी वजह से ब्लड मेरे बॉडी में कम हो गया था, तो डॉक्टर ने फिर तुरंत ही रिकमेंड किया था कि ब्लड चढ़वाने के लिए। तो उसके बाद फिर खून वगैरह चढ़ा था थोड़ा सा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कम आ गया था काफ़ी, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि नहीं ब्लड चढ़ना ज़रूरी है। फिर 1 दिन तो ब्लड ही चढ़ा था पूरा दिन, टेंशन तो बेटू की थी क्योंकि उसको हॉस्पिटल में रख नहीं सकते थे, तो खैर उसकी नानी आ गई थी मम्मी, तो मम्मी ने काफ़ी हैंडल कर लिया बेटू को भी, प्लस काफ़ी दिन तक वो थी मेरे साथ भी, 20-22 दिन थी, अभी तो वो गई हैं 1 दिन हुआ है, क्योंकि उनका भी जाना ज़रूरी था, वो कब तक रहती। सो बस मम्मी ने थोड़ी बहुत तबीयत तो संभाल ली, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तबीयत, बीच में सर्दी खांसी जुकाम भी हो गया था, मतलब इतनी सारी चीज़ें ऐसे साथ आ जाती है ना कि पूरा लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब समझ में नहीं आता यार। तबीयत अभी ठीक ठाक थी, अभी बेटू का मुंडन कराने गए थे और आते ही किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज कभी नहीं हुई हूँ। तो मम्मी ने पूजा रखी थी रुद्राभिषेक की, हम लोग अभी बस जा रहे हैं, सैटरडे की मॉर्निंग है, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मंदिर में ही पूजा करवाया था मम्मी ने, कुश के जल से कहते हैं जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो कुश के जल से करवाते हैं।
ये है हमारी सोसाइटी का मंदिर, बहुत ही प्यारा सा है। मेरे हस्बैंड आए थे सामान वामान रख के, और फिर उनको जाना था, वो निकल गए थे, तो मैं और बेटू और मम्मी ही थे पूजा के टाइम पे। सो सब अच्छे से हो गया, भोलेनाथ की कृपा से पूजा पूरी अच्छे से हो गई थी सब कुछ। अपने बर्तन देख लो, ध्यान रखना ले जाते समय। रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष। सारा सामान पूजा का हम घर से लेकर के गए थे, लेकिन पंडित जी वहाँ पे थाली में पूरा अच्छे से लगा रहे थे। दरअसल ये पंडित जी नहीं, दूसरे पंडित जी आएंगे वो करवाएंगे, ये तो बस सारा सामान लगा रहे थे थाली में अच्छे से, ताकि तुरंत तुरंत पूजा जल्दी जल्दी से हो जाएगी। फिर पंडित जी ने ना पूरी पूजा बहुत अच्छे से करवाई थी, पूरी विधि से बहुत ही अच्छे से करवाया था, मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा।
अतंत जन तारे सुर नर